नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस खूबसूरत से सेशन में, जिसमें हम अगेन पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस से कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आएगा और आप ये सेशन अंतिम समय तक देखेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो आज मैं करा रहा हूं वो आने वाले फ्यूचर के सीटेट के एग्जामिनेशन में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आज के सेशन से देखने को मिलेंगे। सेशन काफी यूनिक बनाया है। सेशन में सिर्फ वही क्वेश्चन डाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं और आपको भी कुछ अलग लगेगा, मतलब पहले जैसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे आप लोगों को, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस नहीं है, कुछ नए क्वेश्चन जिस तरीके के क्वेश्चन सीटेट आपको दे सकता है उस तरीके के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से बहुत कम छात्रों ने अभी भी टीचिंग मेथड्स के जो नोट्स है वो डाउनलोड किए हैं, मात्र 838 लोगों ने। मैं चाहूंगा कि कम से कम जो नोट्स हैं उनको एटलीस्ट 8% से बढ़ाकर अगर हम लोग 868 से बढ़ाकर अगर हम लोग कोशिश कर सकें कि 1000 लोग डाउनलोड करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा, मुझे अगले नोट्स देने में मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसाने। ठीक है, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता, कि तकदीर ही हमारी ऐसी है, हर काम आप तकदीर पर नहीं टाल सकते। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? कीट दे रखा है हमें, मच्छर, चींटी, रेशम कीट, मधुमक्खी, है ना, इसकी विशेषताएं दे रखी हैं, अलग अलग विशेषता है। आपको क्या करना है, सही मिलान करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। चलिए देखते हैं। सर नोट्स नहीं मिला, सीटेट बाय लोकेशन टेलीग्राम चैनल में गए आप, ये बताओ हाँ या ना? सीटेट बाय लोकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, हाँ या ना? जब तक ज्वाइन ही नहीं करोगे तो नोट्स कहां से मिलेंगे भैया? सीधी बात है, जो मच्छर है ना वो हमारे शरीर की गर्मी से हमें पहचानते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चींटियां होती हैं दोस्तों, वो जैसे जैसे चलती हैं अपने पीछे एक गंध छोड़ती चली जाती हैं। रेशम कीट जो होते हैं वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं, और मधुमक्खियों के बारे में तो पता ही है, शाही जेली बनाते हैं लोग, है ना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर। बहुत सारे छात्रों ने सी दिया था, लेकिन जिन्होंने सी नहीं दिया था उनको इस क्वेश्चन पे काम करने की जरूरत है दोस्तों। क्वेश्चन आगे, एक चींटी जमीन के साथ साथ चलती है, चलते चलते पीछे देखा होगा कि एक एक चींटी के पीछे बहुत सारा समूह आ गया। ये बहुत सारा समूह जो आ जाता है एक चींटी के पीछे पीछे, वो कैसे आ जाता है? उनके रंग रूप से, उनकी आवाज से, उनके चलने के पैटर्न से, गंध से दोस्तों, बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों। चींटियों की जो गंध होती है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है काफी किसके लिए, जो चींटियों के समूह को पता चले, ठीक है, चींटियों के समूह को पता चले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी गंध। चींटियों की जो गंध होती है दोस्तों, वो जो गंध छोड़ के चलते हैं चींटियां अपने पीछे, वो काफी हेल्पफुल रहती है बाकी की सभी चींटियों के जानने के लिए। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं आप लोग को, कभी खतरा होता है ना तो ये चींटियां एक और तरीके की गंध निकालने में काबिल होती है, मतलब खतरे के सामने जब खतरा होगा तो ये और गंध निकालने के काबिल होती हैं। और कभी अच्छी बात होती तो अलग, मतलब कहीं भोजन मिलता है तो फेरोमोन्स अलग तरीके के निकलते हैं। सो दोनों कैपेबल हैं, दोनों चीजें करने के लिए कैपेबल है हमारी चींटियां। अगला क्वेश्चन, पक्षियों की थोड़ी घुमावदार चोंच, नुकीली चोंच जैसा चित्र में दिखाया गया है, उनकी मदद करता है, बताओ। चित्र में लाया नहीं हूं, फूलों को रस चूसने के लिए, मांस फाड़ने और खाने के लिए, लकड़ी और पेड़ के तने में छेद करने के लिए, बीज तोड़ने और कुचलने के लिए, बताओ। पक्षियों की चोंच होती है थोड़ी नुकीली चोंच होती है इस तरीके की घुमावदार, ये किस लिए होती है दोस्तों? दोस्तों आप पाओगे कि जो ऐसी चोंच है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, ऐसी चोंच ज्यादातर जो हमारे, अगर हम बात करें जो नुकीली चोंच है दोस्तों, याद रखिएगा वो हमारे उन्हीं जीवों की है जो कि
जो कि क्या कर रहे हैं दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन आंसर तो बी आना चाहिए ना, जो कि मांसाहारी है ना, जो कि मांसाहारी है, ठीक है, मांसाहारी जीव ऐसी चोंच रखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रसोई के अपशिष्ट को फेंकने के लिए हम किस रंग के कूड़ेदान का उपयोग करेंगे बताओ। देखो अलग अलग तरीके के कूड़ेदान होते हैं, याद रखिएगा अलग अलग तरीके के कूड़ेदान होते हैं, हरा, नीला, लाल, तीन अलग अलग तरीके के कूड़ेदान होते हैं, और काला। देखो ध्यान से, हरा ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ऐसा वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल है, अगर आप उसे छोड़ दें खुले में तो उसे जो बैक्टीरिया है वो क्या कर देंगे, बायोडिग्रेड कर देंगे। मेरे प्यारे मित्रों 100 दोस्त जुड़ चुके हैं लेकिन लाइक मात्र 30 लोगों ने किया है। सेशन पसंद नहीं आ रहा है कि आप लोगों को सेशन अच्छा नहीं लग रहा है, सभी छात्रों से उम्मीद रहेगी कि सभी छात्र जितने मात्रा में लाइक कर सके कृपया लाइक का बटन जरूर दबाएं, हर एक छात्र लाइक का बटन जरूर दबाए, है ना। नीला, ध्यान से देखो, नीला जो है वो डी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन ऑर्गेनिक होता है, उनके लिए होता है। लाल याद रखिएगा, जो कि हमारे ये जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है जिसमें सिरिंज वगैरह हो गई, कांच हो गया, उसके लिए लाल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और काला जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के वेस्ट के लिए होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का वेस्ट होता है वो काली डस्टबिन में डाला जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हरा, क्योंकि रसोई में तो ऑर्गेनिक चीजें ही निकलती है ना, सैलेड वगैरह का जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, कीटों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाएंगे, बंद, फुसफुसीय, व्यवस्थित या फिर दोस्तों खुला। इंसेक्ट्स के अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड, पल्मोनरी, सिस्टमैटिक, ओपन सर्कुलेटरी या फिर गिल सर्कुलेटरी। मैंने लाइक कर दिया सर, जो लाइक कर चुके हैं भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ कीटों में जो परिसंचरण तंत्र है वो किस तरीके का देखने को मिलता है, आंसर कीजिए फटाफट से। आप लोगों के लिए दोस्तों 15 तारीख को SST की महामैराथन लेकर आ रहे हैं हमारे अनुपम सर, उस दिन 1:30 बजे से 5 बजे तक SST चलेगी इस चैनल पे, ठीक है, याद रखिएगा SST की मैराथन चलेगी, लंबी मैराथन है। करेक्ट आंसर दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे कीटों में जो हमारा तंत्र पाया जाता है वो ओपन तंत्र होता है। कैसा होता है, ओपन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम, हमारे बॉडी में जो पाया जाता है वो क्लोज्ड है ना, हमारी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग जगह पाया जाता है, लेकिन जो कि हमारे ऐसे पौधे, जो हमारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि कीड़े हुए, मकोड़े हुए, इन सब के अंदर जो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दोस्तों वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बजाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, याद रखिएगा। चावल का एक भोजी कीट कौन सा है, अब देखते हैं कितने लोग बताएंगे। याद रखिएगा येलो स्टेम बोरर, पीला तना भेदक, एक क्या है, पीला तना भेदक चावल का एक भोजी कीट है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, NCERT में दिया गया है बताओ, NCERT में दिया गया है क्लास 7th की में, कोई पूछ सकता है नहीं पूछ सकता ऐसा क्वेश्चन, गोपाल बताओ पूछ सकता है नहीं पूछ सकता ऐसा क्वेश्चन, गोपाल पूछ सकता है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तो आंसर आना चाहिए। बताओ सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाइट फ्लाइज, बहुत बढ़िया, दैट इज बेमिसिया तबेकी, है ना, बेमिसिया तबेकी जो है दैट इज द नेम ऑफ, साइंटिफिक नेम ऑफ सफेद मक्खी है ना, व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम। स्कूल जाते समय पूजा ने देखा कि उसके जूतों के तलवे फट रहे हैं, उसे किसके पास जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ऑनलाइन पेपर हुआ था ना जब, तो इतना आसान क्वेश्चन आता था। अब आप कहते हो ना कि सर
ये जो पेपर हुआ ऑफलाइन उसमें क्या होगा। अब इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो अपने आप सारे लोग पास कर ले जाएंगे ना, मुझ इसका सही आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी किस परिवार से बिलोंग करती है? एपिडी, वेस्पिडी, फॉर्मसिडी, ओपनिडी, मस्किडी, बताओ मधुमक्खी कौन से परिवार से बिलोंग करती है? हनी बी बिलोंग्स टू, बताओ। आज गलत नहीं आना चाहिए आंसर, बहुत बढ़िया, गलत नहीं आना चाहिए आंसर, वेरी गुड। करेक्ट आंसर है मधुमक्खी एपिडी परिवार से बिलोंग करती है। किससे? एपिडी परिवार से बिलोंग करती है। फाइलेरिया रोग के वाहक क्या है? फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है बताओ? क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी, एडीज एजिप्टी, फाइलेरिया कीड़ा, हाउस फ्लाई, मक्खी, बताओ। द वेक्टर ऑफ फ्लोरेसिस डिजीजेस, फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है बताओ? क्यूलेक्स मच्छर है, सीसी मक्खी है, एडीज एजिप्टी है, फाइलेरिया कीड़ा है, मक्खी है, बताओ फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है? द वेक्टर ऑफ फ्लोरेसिस डिजीज इज क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना, याद रखिएगा। जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है उसकी वजह से फाइलेरिया नाम का जो रोग है वो फैलता है, याद रखिएगा। कौन सा पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है बताओ? सनबर्ड, क्रो, बारबेट और इंडियन रॉबिन। कौन सा ऐसा पेड़ है, पक्षी है, जो पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है? सनबर्ड है, कुआ है, बसंत गौरी है, भारतीय रॉबिन है, बताओ फटाफट से। कम लोग आंसर कर रहे हैं यार, बहुत। बारबेट, बसंत गौरी इसका सही आंसर है। आपने अगर देखी नहीं है कभी बसंत गौरी तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है दोस्तों। कितने लोग जानते हैं बसंत गौरी को, कितने लोगों ने देखा है आज तक, सच सच बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से पक्षी के बाहरी कान नहीं होते, वे केवल जमीन पर कंपन महसूस कर सकते हैं? छिपकली, सांप, मकड़ी, बंदर, बताओ। बाहरी कान नहीं होंगे लेकिन जमीन की कंपन महसूस कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सपेरा होता है वो क्या करता है, बीन बजाता है, हम सभी जानते हैं सपेरा बीन बजाता है, सपेरा बीन बजाने का काम करता है। कभी आपने सोचा है कि जो सांप है उनके कान तो होते नहीं है, तो वो उस बीन पर नाचता कैसे है दोस्तों? एक्चुअली सांप वेव्स को जानता है, किसको जानता है दोस्तों, वेव्स को जानता है। वो कंपन को महसूस कर सकता है, वो हीट को महसूस कर सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सांप, स्नेक इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन इनमें से राज्यसभा का सभापति होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बताओ? लोकसभा के उपाध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, अटर्नी जनरल, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताओ? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर में किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? पॉलिटी, बेसिक पॉलिटी जो आती है दोस्तों, आप लोगों को आनी चाहिए इतनी, याद रखिएगा दोस्तों। जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो सबसे पहले ट्रायल करने के लिए, देखो आप लोग कहीं भी जाओगे तो कोई भी जो चीज है उसे ऑल ओवर इंडिया में लागू नहीं कर दिया जाता है, पहले उसे ट्रायल किया जाता है। तो ट्रायल करने के लिए सबसे पहले जो चुना गया था या फिर जहां सबसे पहले लागू हुई थी वो राजस्थान था, और राजस्थान का भी नागौर जिला था, जहां पर 1959 में दोस्तों याद रखिएगा पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, 1959 में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, ठीक है याद रखिएगा। और पंचायती राज सिस्टम जो है वो तीन लेवल है, त्रिस्तरीय है दोस्तों। पहला
गांव के लेवल पर है जिसे विलेज लेवल बोलते हैं, दूसरा है हमारा ब्लॉक लेवल, और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे जिला परिषद बोलते हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए? पहला विलेज, दूसरा ब्लॉक लेवल और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। थ्री टायर सिस्टम बोला जाता है इसे। सुनामी इनमें से किसकी वजह से नहीं आएगी बताओ? तूफान की वजह से, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, भूकंप की वजह से, समुद्र के नीचे भूसंकलन की वजह से? सुनामी, थिंग्स वी मेक एंड डू। सर आप थ्योरी नहीं कराते हैं क्या? थ्योरी पेड बैच में होती है हमारे यहाँ, है ना? थ्योरी सिर्फ और सिर्फ पेड बैच में। यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस करो दब के। लेकिन यार क्वेश्चन से इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा देते हैं ना आपको, मतलब परेशानी होगी नहीं, मुझे लगता नहीं है। करेक्ट आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का, दैट इज हुरिकेन्स, तूफान। यार तूफान की वजह से सुनामी कभी नहीं आएगी, है ना? अच्छा क्या फर्क है सुनामी क्या होती पहले समझो। देखो तूफान है हवा का तेज चलना, हवा अपने साथ पानी ला सकती है थोड़ा बहुत समुद्र से निकाल के, लेकिन सुनामी कभी नहीं लाएगी। सुनामी कब आएगी? अब देखिए, जब कभी भी समुद्र के नीचे की सतह और इसके ऊपर है पानी, क्या है इसके ऊपर? जल है, वाटर है इस तरीके से, और नीचे अगर समुद्र की सतह में कुछ भी हलचल हुई, मान के चलो कोई ज्वालामुखी फटा, तो इतने एरिया से पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। अब पानी के अंदर, इस पानी के अंदर ऊंची ऊंची लहरें आएंगे इस तरीके से, और इस लहर में अगर कोई छोटा शहर हुआ यहां, तो जितना पानी चला जाएगा उसे बोला जाएगा सुनामी। ठीक है, याद रखिएगा। भूकंप की वजह से भी हो सकता है, इन सब चीजों की वजह से आ सकती है, याद रखिएगा। भारत में कौन से राज्य में काट एवं दाह कृषि को वेबर के नाम से जाना जाता है बताओ? कौन से राज्य में वेबर के नाम से जानते हैं काट एवं दाह को? आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बताइए। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम काट एवं दाह कृषि, जिसे को क्या बोला जाता है, स्थानांतरण कृषि बोला जाता है जिसे, ठीक है, इसी को वेबर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छप्पन मैदान किससे रिलेटेड है? छप्पन मैदान इज रिलेटेड टू व्हाट? मध्य माहिन बेसी से, हड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, पूर्वी मैदान से, बताओ। छप्पन मैदान किसे कहते हैं? छप्पन मैदान, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। यस करेक्ट आंसर टू मिडिल माही बेसिन, है ना, मध्य माही बेसिन से रिलेटेड है छप्पन मैदान। ठीक है, ये पूर्वी मैदानी प्रवेश है, अलग अलग, इसका एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आपको झील बतानी है, झीलों का सही मिलान करना है दोस्तों, कौन सी झील किससे मिलती है उसका सही मिलान करना है दोस्तों। 200 दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी, तो पहले तो सभी लोग तालियां बजाएंगे 200 दोस्त होने की खुशी में, है ना? सभी लोग, हमारा परिवार 200 लोगों का हो गया लाइव, सभी लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे, साथ ही सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, लाइक का बटन जरूर दबाओ, बिकॉज बिना लाइक के काम नहीं चलेगा। पुलिकट, वुलर, चिल्का, लोकटक झील कहां पर है बताओ? आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। अच्छा, लोकटक झील के बारे में याद आ रहा है, ये तो हमारे नॉर्थ ईस्ट की झील है ना, और नॉर्थ ईस्ट की झील है कैसी झील है? मीठे पानी की झील है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, लेकिन मीठे पानी की ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ी झील नहीं है, वो भी दे रखे यहां पर जो सबसे बड़ी झील है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, यस। ठीक है, पुलिकट झील हमारी आंध्र प्रदेश की है, पुलिकट है ना, कलिकट हमारी जैसे केरला, हमने सुना होगा कलिकट, ठीक है। वुलर झील हमारी पहुंच गई जम्मू कश्मीर, जो कि मीठे पानी की झील है। चिल्का झील हमारी पहुंची दोस्तों उड़ीसा, यस। लोकटक झील जैसा मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट की, मणिपुर, ठीक है, मीठे पानी की झील है। गर्भावस्था में अरक्तता से बचने के लिए क्या उपाय है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं जब गर्भावस्था में पहुंचती हैं तो उनके अंदर आयरन की बहुत कमी हो जाती है, और अगर आप में से कोई इस गर्भावस्था से निकला है जिस पर बेबी हुआ है, तो आपने देखा होगा अगर आप डॉक्टर के संपर्क में आए हैं तो डॉक्टर आपको आयरन की गोली देना स्टार्ट कर देता है, है ना, आयरन की गोली देता है, आयरन और कैल्शियम
ये जरूर चला देता है आपका, यस और नो, हाय ना सर। क्यों देता है आयरन? क्योंकि आयरन कम होने लग जाता है उस कंडीशन में हमारी बॉडी से, है ना, क्योंकि बेबी भी तो जो रेड ब्लड सेल बनाएगा ना बेबी, है ना, उसको भी तो किसकी जरूरत है, आयरन की जरूरत है, उसको भी तो हीमोग्लोबिन की जरूरत है। तो अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे, बैलेंस्ड डाइट नहीं लोगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में गर्भावस्था में अरक्तता हो जाएगी। इसलिए फूड सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग फूड सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। इनमें से प्राकृतिक स्रोत से कौन से तंतु प्राप्त किए जाते हैं बताओ? नाइलॉन, सूत, पॉलिस्टर, एक और दो। कॉटन। नायलॉन 66 सिंथेटिक है, सूत हमारा नेचुरल है, सिंथेटिक है, याद रखिएगा। संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलते हैं? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इन सभी के द्वारा बताओ। जितने भी इंफेक्शियस डिजीज है जो फैल सकते हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं? देखो, हवा के द्वारा, जैसे COVID-19 फैला था, है ना, हवा से हवा में फैल गया था COVID-19, ठीक है, COVID-19 फैल सकता है। वाटर, ये जैसे कि हमारा कॉलेरा जो होता है, ठीक है, हैजा जो होता है वो गंदा पानी पीने से हैजा हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो याद रखिएगा, जो जीवित जंतु हैं, जैसे कि कुत्ते से कोई रोग फैल गया, है ना, इंसान में ऐसा देखा होगा, ठीक है आप लोगों ने, तो ये संक्रामक रोग होते हैं और ये तीनों तरीके से फैल सकते हैं, हवा भी, जल भी, वायु भी, ठीक है, इवन एट फूड भी फैला सकता है, याद रखिएगा, ऑप्शन में भोजन नहीं है लेकिन फूड भी फैला सकता है, ठीक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका सही आंसर है। नवजात शिशु प्रति मिनट स्पंद दर कितनी होती है नवजात शिशु की? देखो, जब बेबी नया नया जन्म लेता है ना, तो उसको डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, उसको डेवलपमेंट चाहिए, तो उसकी हार्ट रेट ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उसको ब्लड जल्दी पहुंचाना है हर एक कोशिका तक, हर एक कोशिका को डेवलपमेंट फास्ट हो रही होती है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट स्लो होती है वैसे वैसे हार्ट रेट भी स्लो होता चला जाता है। तो कोई नवजात बेबी जो होता है दोस्तों, तो उसका जो हार्ट रेट होगा, मिस ट्रिस्टी फ्रॉम इंडिया, संजीव कुमार, आशीष, रूबी, पूजा, ध्यान से समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो यार एक बार मैं आगे चलने से पहले मैं यस सर लिखवाना चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिखिए, ठीक है। तो मेरे लाडले मित्रों, तो जो नवजात शिशु की जो स्पंद दर होती है वो कितनी होती है? 150 टाइम्स होती है, 150 बार होती है। अच्छा, आप में से साइंस वाले कितने हैं और एसएसटी वाले कितने हैं? साइंस वाले लिखेंगे साइंस, है ना, और एसएसटी वाले लिखेंगे एसएसटी, ठीक है। तो इसका नवजात शिशु का प्रथम आहार कितना होता है? पहला आहार तो माँ का दूध है ना, माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है। और एक आजकल बहुत गलत चीज चल रही है, आपने देखा होगा, एक क्योंकि आप सभी लोग, बहुत सारे लोग होने वाली माँ बनेंगी, बहुत सारी, है ना, और बहुत सारे लड़के बहुत सारे पिता बनेंगे, तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि आजकल ना ये बहुत चल रहा है कि माँ का दूध नहीं उतरता, है ना, माँ का दूध आता नहीं है उतना जल्दी। एक्चुअली मैं आपको टू बी वेरी फ्रेंक, ठीक है, माँ का दूध आने में समय लगता है, बेबी को फीडिंग करानी चाहिए हम लोगों को, है ना। जनरली है क्या कि अब इंडस्ट्री में, चूंकि जो दूध है वैसा वाला, जो पाउडर वाला दूध आता है, उसे बेचने की खोड़ सी चल रही है, वो बेचना है, तो ये बोला गया कि माँ का दूध नहीं आता, समझ रहे मेरी बात? लेकिन 99% केसेस में माँ दूध देती है अपने बच्चे को, 99 केसेस में माँ का दूध आएगा ही आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है, अगर आपको कल को कोई डॉक्टर बोले कि नहीं दूध नहीं आ रहा है जी, तो दूसरे डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, तीसरे डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि पाउडर बेचने के चक्कर में बेटा जो है, बच्चा जो है, बेटी जो है आपकी, ठीक है, उसको दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हैं? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर पहले एक साल में माँ का दूध बच्चे को ना मिले, पहले एक साल में बच्चे को माँ का दूध ना मिले,
तो 5 साल तक जीवित रहने के चांसेस मात्र 70% रहते हैं बच्चे के, मतलब 30% चांसेस है कि वो मर जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि उस हमारी माँ का दूध जो होता है ना, उससे हमें ना सिर्फ दूध मिल रहा होता, पोषक तत्व मिल रहे होते हैं, हमको इम्यूनिटी भी मिल रही होती है। हमको इम्यूनिटी के साथ साथ, दोस्तों याद रखिएगा, इम्यूनिटी के साथ साथ हमें एंटीबॉडीज भी मिल रही होती हैं जो इस बीमारी इस दुनिया से हमें बचाती हैं। समझ रहे? तो माँ का दूध बेस्ट दूध होता है, याद रखिएगा, माँ का दूध बेस्ट दूध होता है। दिमाग में बिठा लो, अपने बच्चे को चाहे 10 बार फीडिंग करानी पड़े दिन में, उसे दूध की फीडिंग कराओ, ठीक है? क्योंकि दिस इज हाउ द इंडस्ट्री इज गोइंग ऑन, है ना? इंडस्ट्री इसी तरीके से चल रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि माँ का दूध बेस्ट दूध होता है। आगे बढ़ते हैं। बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक खाद उपयोगी है? यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। बागवानी के लिए याद रखिएगा, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है? ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ध्यान से समझो, ये वर्म से बनाया जाता है। वर्म मतलब कीड़ों से। और कीड़े कौन से हैं दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कीड़े कौन से? अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स का बड़े लेवल पर जब आप प्रयोग करोगे, ठीक है, तो आप वर्मी कंपोस्ट बना पाओगे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इस बताओ, वृक्षारोपण कृषि कौन सी है? धान की है, गेहूं की है, जूट की है, चाय की है, ऊन की है, बताओ। लेट्स सी कितने लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन देखे, भर जाना चाहिए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज चाय। जब चाय आप लगाते हो, चाय के आपको पेड़ लगाने पड़ते हैं। देखो, धान के पौधे लगते हैं, गेहूं का पौधा लगता है, जूट का पौधा लगता है, ऊन का पौधा नहीं लगता, है ना? ऊन तो खाल उतार के बनाई जाती है, ठीक है? चलिए, खेती में थ्रेशर मशीन का उपयोग कब किया जाता है? थ्रेशर, थ्रेशिंग करने के लिए, ठीक है? और थ्रेशिंग कब होती है दोस्तों? आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब कटाई हो जाती है तब थ्रेशिंग होती है ना? गांव के लोगों सब लोग जानते हो, ठीक है? कटाई के बाद हम लोग क्या करते हैं? थ्रेशर का उपयोग करते हैं। अब तो हर कोई जानता है इसे, ठीक है? ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत करके आएगा। हाँ, कोई दिल्ली विल्ली का कोई होगा, कि कोई गांव, कोई शहर की लड़की होगी, शहर का लड़का होगा, ठीक है? एक बार को लड़की लड़कों को फिर भी पता रहता, लेकिन शहर की लड़की होगी तो ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस थ्रेशर, है? हम लोग नहीं जानते इन थ्रेशर वेशर को। हम लोगों के घर में तो ना, हम लोग पालक उगा के खाते हैं, है ना? तो याद रखिएगा। हाँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लाल लेटराइट मिट्टी फसलों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। कौन सी फसलों के लिए? लाल लेटराइट मिट्टी बताओ। कपास, चावल, गेहूं, कैशियू और कैट। क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर इज कैशियू, काजू। बहुत काजू उगता है, याद रखिएगा, लाल मिट्टी में काजू बहुत उगता है। कभी कभी काजू को देखा भी होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा लाल लाल लगा हुआ आता है, उसमें मिट्टी लगी होती है एक्चुअली, है ना? वो मिट्टी का कलर आ जाता है, ठीक? सबका गलत था, बी बी ए ए बी बी। कपास के लिए काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी। चावल के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी, गेहूं के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी, बगीचों के लिए आप लोग जनरली प्रीफर करते हैं कि किसी भी तरीके की हो, क्योंकि बगीचे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स का, पौधों का बनता है, तो कैसी भी मिट्टी हो, हर एक इलाके में बगीचा लग सकता है। जाबो ग्रामीण खेती करने का कहाँ पर है तरीका? जाबो, अमी पागल होई जाबो, सुना है गाना? अमी पागल होई जाबो, नहीं सुना? क्या सुनते हो तुम लोग पूरा दिन भर? कौन सा गाना सुनते हो तुम लोग, बताओ? कौन सा गाना सुनते हो? जब तक तुम लोग आई अमी पागल हो ही जाओ नहीं सुना तुम लोगों ने? चलो, करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज नागालैंड।
नागाज जो होते हैं ना नागालैंड के, वो जाबो खेती करते हैं, वैसे ही जैसे कि चिराओ डांस मणिपुर का बहुत फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सर मेरे घर में आमंड का पेड़ है। मैं बंगाली सुनती हूँ। बढ़िया। जिम कॉर्बेट। आपकी गाना सुनते हैं सर 1:30 बजे वाली क्लास में, कभी कभी आप ही गाना सुना देते हैं। पलामू मैं तो बहुत कुछ सुना देता हूँ। ठीक है, 1:30 बजे वाली क्लास में। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। जिम कॉर्बेट कौन पाया जाता है इसमें? रॉयल बंगाली टाइगर। रॉयल लोग ही जिम कर सकते हैं। यस। कौन सी विटामिन की कमी की वजह से रतौंधी नामक रोग होता है? रतौंधी वो रोग है जिस रोग में किसी भी इंसान को रात के समय में थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आंसर करो। उत्तराखंड, पुष्कर, सिंह, धामी, देहरादून, नीम, करौली बाबा। नाम था क्या था भैया? करेक्ट आंसर है दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी नामक रोग होता है। भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? भूरी बताओ। ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड था, तो भूरी हमारी चमड़े से है। ठीक है, लेदर से। चलो, इनमें से सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, सूर्य के निकटतम होने के बावजूद ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बुध, याद रखिएगा। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, घूंघट वाला ग्रह है। ठीक है, और तो और सुनो, पृथ्वी की जुड़वां बहन। और बताए, संध्या का तारा, भोर का तारा। इतने नामों से जाना जाता शुक्र ग्रह। ठीक है, याद रखना। ओके दोस्तों, जाने से पहले छोटा सा काम करोगे? छोटा सा काम है कि आप लोग लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, जाना नहीं है किसी को भी। और छोटा सा काम एक और है दोस्तों, कि आप सब लोगों को नोट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेने हैं दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। दिखा देंगे, नोट्स दिला देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, नोट्स दिला देता हूँ आप लोगों को। टेलीग्राम पे जाना होता है आप लोगों को, ऐसे टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लो। टेलीग्राम पे गए हम लोग, टेलीग्राम पे जाने के बाद खुल जाओ टेलीग्राम, खुल जा सिम सिम। यहाँ आ गए आप सीटेट बाय लोकेसर, एंड देन आप थोड़ा सा ऊपर जब जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर, तो आपको टीचिंग मेथड्स के नोट्स दिखेंगे। बहुत जबरदस्त नोट्स हैं, देख लो एक बार आप भी। दिखा देता हूँ। ठीक है, नोट्स ये रहे, ये नोट्स हैं देखो। ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ठीक, ये टीचिंग मेथड्स के नोट्स हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हीं मेथड्स पर आधारित, और इन्हीं मेथड्स पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और कुछ और क्वेश्चंस के नोट्स लगा के दे दिए। अब भी आप पढ़ाई ना करो, नोट्स ना लो, तो ये आपकी मर्जी है। और साथ ही दोस्तों, जितने भी विज्ञान के पेपर के क्वेश्चन को करने वाले हैं, हम लोग शाम को एक सेशन लेने वाले हैं दोस्तों, शाम को 6:30 बजे। मैं आपको यूट्यूब पर दिखा भी देता हूँ। हम लोग यूट्यूब पर गए, यूट्यूब पर जाने के बाद
हम लोग सुपर कोचिंग पे गए, सुपर टीचिंग, सुपर टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक, ये आ गया चैनल, इस पर गए तो ये जो क्लास देखने को मिलेगी आप लोगों को, कहाँ गई, हाँ लाइव में ये जो क्लास देखने को मिलेगी आपको, ये वाली साइंस पेपर दो, इसको जाके आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन।